डियर लर्नर, वेलकम टू लर्निंग फॉर ऑल। मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोर्स कोऑर्डिनेटर, स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आइए हम जानते हैं विभिन्नता को वर्गीकृत करने की विधियां, मेथड्स ऑफ डीलिंग विद द डिफरेंसेस, यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित टॉपिक है, यह पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, उनकी परिभाषाएं और उनके प्रकार बता दिए गए हैं, जो जिसे आप जरूर देखिए। यह डीएड स्पेशल एजुकेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी पेपर से संबंधित टॉपिक है, जो सभी विद्यार्थियों के लिए काम आएगा। इसको इस वीडियो को अवश्य देखें, फर्स्ट वीडियो भी अवश्य देखें। इस सेकंड पार्ट में वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे अवश्य देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विभिन्नता को वर्गीकृत करने की विधियां कौन कौन सी हैं, हम क्यों वर्गीकृत कर रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को एक बेहतर शिक्षा मिल सके, वो क्लासरूम में अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो विधि है वर्गीकृत करने की, वह है छात्रों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। हम क्यों करते हैं छात्रों का क्लासिफिकेशन? स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में सिर्फ आयु में ही परिवर्तन नहीं होता है, ये बिल्कुल सही बात है कि स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, विभिन्न प्रकार की क्लासेस होती हैं, क्लास 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, उनमें जो बच्चे आते हैं वो अलग अलग उम्र के होते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी लेट हो जाने के कारण एक ही क्लास में आयु में भी अंतर होता है, तो ये तो जनरल सी बात है। लेकिन केवल इसी में अंतर नहीं होता, बल्कि उनमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एवं संवेगात्मक रूप से भी अंतर पाया जाता है। और अगर इन सब को ध्यान में हम नहीं रखेंगे तो वो सही तरीके से एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार स्कूल व कक्षा का विभाजन उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को देखकर करना चाहिए। जैसे शारीरिक एवं मानसिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए अलग कक्षा की व्यवस्था व संसाधन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उन्हें अपनी क्षमता अनुसार शिक्षा प्राप्त हो सके। क्योंकि अगर सभी विद्यार्थियों को एक साथ, क्योंकि जिसमें बहुत सारे समस्या से ग्रसित हैं, जिनकी विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हैं, अगर उनको एक साथ सबकी क्षमता के अनुसार बैठा करके पढ़ाएंगे तो शायद वो एक बेहतर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि उनकी योग्यता, उनकी एबिलिटी अलग है, इसलिए आवश्यक है। ध्यान रहे, वर्गीकृत करने का ये मतलब नहीं है कि हम उनको समाज से अलग कर रहे हैं, बल्कि उन्हें उनकी जो विभिन्नता है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, ताकि वो अपनी योग्यता के अनुसार बेहतर तरीके से सीख सकें, इसलिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। तो ये एक मेथड के रूप में जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, यानी कि चेंजेस इन क्लासरूम सिचुएशन। किस तरीके से हम कक्षा के प्रबंधन में और कक्षा में किस तरीके से परिवर्तित करते हैं, जिसमें कक्षा व्यवस्था में परिवर्तन व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि एक साथ कक्षा में पढ़ रहे बच्चों में विभिन्न अंतर पाया जाता है। देखते हैं किस तरीके से। जैसे यदि कक्षा में दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित छात्र है तो उन्हें कक्षा में सबसे आगे की पंक्ति में बिठाना चाहिए, जिससे अध्यापक को सुन सके व होस्ट पठन कर सके। सुन सकेगा कौन? जो दृष्टिबाधित है। और देख सकेगा, होस्ट पठन कौन कर सकेगा? वो श्रवण बाधित बच्चा है। साथ ही श्याम पट्ट को भी देख सकेगा। हो सकता है कोई लो विजन विद्यार्थी हो, जो अल्प दृष्टि वाला हो, तो अगर उसे फर्स्ट पंक्ति में बैठाएंगे सामने, तो वो श्याम पट्ट में लिखी हुई जो भी कंटेंट है उसको भी वो देख सकता है। साथ ही दृष्टिबाधित बच्चे के लिए भी बड़ा आसान है। इसी प्रकार शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक को दरवाजे के पास बैठाना चाहिए, जिससे वे आसानी से आवागमन कर सके, क्योंकि एक्सेसिबल बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है कि ठीक उसी प्रकार अति चंचल बालक को, अति चंचल मतलब हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं, उनको भी अध्यापक को अपने निकट बैठाना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में कहीं बैठा दिया, पीछे बैठा दिया गया, तो अन्य बालकों को भी वो
परेशान करेगा, इसलिए आवश्यक है कक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन करना। इस प्रकार यदि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर कक्षा की व्यवस्था की जाए तो सभी को लाभ मिल सकेगा और सीख सकेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर अगर हम कक्षा की व्यवस्था करते हैं तो उनकी विभिन्नता को रिस्पेक्ट मिलती है और साथ ही साथ वो अपनी योग्यता और क्षमता का बेहतर उपयोग कर पाते हैं और सीख पाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों में परिवर्तन, यानी कि चेंजेस इन टीचिंग मेथड्स। बहुत जरूरी होता है क्योंकि हर बच्चा एक ही टीचिंग मेथड से नहीं सीख सकता है, तो देखिए कैसे परिवर्तित करते हैं हम। इसके अंतर्गत बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार अध्यापक को शिक्षण विधि का चुनाव करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार अध्यापक को शिक्षण विधि का चुनाव करना चाहिए क्योंकि टीचिंग मेथड बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कि जैसे कुछ बच्चे क्या हैं, देखकर अधिक सीखते हैं, कुछ बच्चे सुनकर अधिक सीखते हैं, कुछ बच्चे क्रिया करके यानी कि लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं, तो इन बच्चों की सब अलग अलग विशेषताएं हैं। तो अगर सभी को एक ही तरीके से अगर हम पढ़ाएंगे सिखाएंगे तो शायद नहीं सीख सकते, तो इस डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखकर हमें डिफरेंसेस को डील करना है, परिवर्तित करना है, क्लासिफिकेशन करना है, ताकि बच्चे सीख सकें अपनी क्षमता के अनुसार और जिस तरीके से उनकी स्किल है। इस प्रकार पाठ्य सामग्री व शिक्षण पद्धति का चयन व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार हो तो प्रत्येक बालक को लाभ मिलता है, इसलिए बहुत जरूरी है हम पाठ्य सामग्री में भी कभी कभी परिवर्तित करते हैं। जैसे कोई कंटेंट है, वह कंटेंट बहुत कठिन है, तो हम लोग जो शिक्षक होते हैं उनको विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का भी उचित तरीके से प्रयोग करता है और शिक्षण पद्धति के साथ जोड़कर अपने अनुभवों को साझा करके एक बेहतर आदर्श के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है, जिससे विद्यार्थियों की जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उनको भी रिस्पेक्ट मिलती है और बेहतर तरीके से वो सीख सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। नेक्स्ट है जो विधि है, बालकों के विशेष रुचियों के विकास के आधार पर कार्यक्रम का आयोजन, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, बहुत सारे अलग अलग विशेष गुण होते हैं विभिन्न प्रकार के। जैसे हम देखते हैं प्रत्येक बालक में कुछ विशेष रुचियां होती हैं, हर बालक अपने आप में अद्वितीय होता है जैसे कि हम जानते हैं। कुछ बालक अच्छे खिलाड़ी, अच्छे कलाकार, अच्छे लेखक, कुछ गायक भी होते हैं, इसलिए स्कूल में खेल की भी व्यवस्था होनी चाहिए, म्यूजिक की भी व्यवस्था होनी चाहिए, उन्हें विभिन्न प्रकार के क्रिएटिव बनाने के लिए लेखन कार्य और साथ ही साथ उन्हें सृजनशील बनाने के लिए बेहतर एक्टिविटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बिना रुचियों को ध्यान में रखे और बिना विशेषताओं को ध्यान में रखे अगर हम कोई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो उनके लिए लाभ नहीं होगा। इस प्रकार प्रत्येक के साथ एक सा व्यवहार न करके व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान देकर व्यवहार करना चाहिए, बहुत जरूरी है, जिससे उनकी जो डिफरेंसेस है उनका हम स्वागत करते हैं और उन्हें लगता है कि हमारा जो विशेषताएं हैं उनको लोग समझते हैं और उनकी योग्यता बरकरार बनी रहती है और सीख सकते हैं बेहतर तरीके से। उनकी योग्यता व रुचि को ध्यान में रखकर विद्यालय कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए उन्हें उत्साहित करना चाहिए, बहुत उत्साह वर्धन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनकी प्रतिभा किस तरीके की है, उनकी योग्यता किस तरीके की है, उनकी रुचि किस तरीके की है, एक शिक्षक को बहुत अच्छे से पता होता है। इसलिए जरूरी है कि एक विद्यार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी विभिन्नता को देख करके शिक्षा प्रदान की जाए। और नेक्स्ट है गृह कार्य विधि में चयन, यानी कि सिलेक्शन इन होमवर्क मेथड। किस तरीके से हम होमवर्क देते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी कितना दे देंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में। अध्यापक को गृह कार्य देते समय व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कौन कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं आइए हम देखते हैं। जैसे किसी बौद्धिक अक्षम बालक को कम गृह कार्य देना या संपूर्ण का अंश देना, अगर क्योंकि अगर हम ये एक्टिविटी नहीं अपनाएंगे, अगर ज्यादा दे देंगे तो वो कर ही नहीं पाएगा, उसे बोरियत लगेगा और वो करेगा ही नहीं,
क्योंकि वो छोटे कामों में वो छोटे छोटे कार्यों को करना पसंद करते हैं और वो भी एक्टिविटी बेस्ड। इसलिए जो बौद्धिक अक्षम बालकों का पाठ्यक्रम होता है वो फंक्शनल करिकुलम कहलाता है, यानी कि कार्यात्मक पाठ्यक्रम कहते हैं। इसलिए वो टास्क एनालिसिस होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हम पढ़ाते हैं उनको, ताकि वो अपनी जो भी योग्यता क्षमता एबिलिटी है उसको बेहतर सीख सकें। साथ ही तीव्र बुद्धि एवं औसत बालक को उसकी क्षमता योग्यता के अनुसार कार्य देना चाहिए। अगर एक बौद्धिक अक्षम बालक है और एक औसत एवं तीव्र बुद्धि का बालक है, सभी को एक समान कार्य दे देंगे तो ये तीव्र बुद्धि वाला बोर हो जाएगा और वो परेशान हो जाएगा जो बौद्धिक अक्षम बालक है। इसलिए इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो मेथड है वह है दिव्यांगता के प्रति ध्यान, यानी कि अटेंशन ऑफ दिव्यांगजन। बहुत जरूरी है क्योंकि क्लास में दिव्यांगजन भी बच्चे हो सकते हैं। विकलांगता के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल, जैसे शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित बालकों का। इतनी प्रकार की विकलांगताओं के अलावा अब 21 प्रकार की विकलांगताएं हो गई हैं। जो RPWD एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2016, जो न्यू एक्ट आया है वो 2016 में, उसमें 21 प्रकार की विकलांगताएं हैं। तो इन सभी बालकों को उनका पाठ्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम एवं व्यवहार समायोजन तकनीकी भी अलग अलग होनी चाहिए। एक जैसा हम सबको ट्रीट नहीं कर सकते, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। शिक्षण का जो कार्यक्रम हम बनाते हैं या नियोजन करते हैं हम सभी के लिए एक जैसा नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम विद्यार्थियों को अलग नहीं कर रहे, ना ही उनको समाज से दूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो डिफरेंसेस है उनको रिस्पेक्ट देने के लिए और उनकी जो योग्यता और क्षमता है उसको वो सही तरीके से प्रयोग कर सके और सीख सकें, इसलिए इस तरीके की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। यदि इस व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बालकों के साथ कार्य किया जाए तो उन्हें शिक्षा का अधिक लाभ मिलता है। इसलिए जरूरी होता है कि उनके अनुसार कार्य करें। वैसे भी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसलिए हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। शिक्षक अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं कर सकता, अदरवाइज विद्यार्थी बेहतर तरीके से नहीं सीख सकेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ ही दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे ये डिप्लोमा जो सिलेबस रिलेटेड एजुकेशन साइकोलॉजी का ये जो टॉपिक है इसमें विद्यार्थियों को जो परेशानी आती है वो दूर हो सकें और सीख सकें। थैंक यू सो मच।